हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लिटिल बिट स्कूल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 2 ईदगाह। इसमें एक छोटे बच्चे की बात की गई है और बहुत बड़ी सीख मिलती है इससे हमें, जो आपको स्टोरी के माध्यम से इसमें आपको दी जाएगी। ईदगाह की समझूती आपको स्टोरी के माध्यम से दी जाएगी। ओके, चैप्टर 2 ईदगाह। ईदगाह के लेखक है प्रेमचंद्र। उनका जन्म वाराणसी गांव में हुआ था, 1880 में हुआ था। ईदगाह प्रेमचंद्र की एक अमर कहानी है। कहानी का किसके साथ बहुत करीबी संबंध है, तो के नायक हमीद छोटा बच्चा है उसके ऊपर ये पूरी स्टोरी है। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है और इस दिन की हम सब दीपावली क्रिसमस की जैसे राह देखते हैं, वैसे ही सब रमज़ान के बाद ईद की भी राह देखते हैं। सब अपने अपने तरीके से इसे एंजॉय करने का सोच के रखा होता है, वैसे एंजॉय भी करते हैं। कोई नए कपड़े लेते हैं, कोई नए जूते लेते हैं, घर में सजावट करते हैं, सब एक दूसरे को मिलने जाते हैं, वैसे ही मेले में घूमने जाते हैं और मस्जिद में भी जाते हैं। पर हमीद करके एक लड़का था, वो बहुत ही छोटा था ना, उसके फैमिली में माँ पापा कोई नहीं था, एक बूढ़ी दादी थी हमीदा करके। सब बच्चों अपने लिए खिलौने खाना वो सब देखते हैं मेले में जाते हैं, तो पैसे हो या ना हो, ना हो तो अपने पेरेंट्स से भी मनवाते हैं कि हमें ये चाहिए। पर यहाँ तो हमीद के साथ ना कोई जाने वाला था और उसको भेजे तो किसके सहारे भेजे, ये उसकी दादी की मुसीबत थी कि इस छोटे बच्चे को जाने की खुशी है, उसके पास पैसे भी कम है, पाँव में जूते भी नहीं है, वो जाएगा तो कैसे जाएगा, किसके साथ भेजूँ, इसकी कौन रखवाली करेगा। पर फिर भी वो बच्चा जाता है अपने दोस्तों के साथ और अपनी समझदारी विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता से जल्दी जाता भी है, सबका वेट करते करते सबके साथ वहाँ पहुँच जाता है मेले में। मेले में जाता तो है, बहुत सारी स्टॉल होते हैं जैसे खाने की, घर की सामान की, सब। पर वो छोटे बच्चे ने अपने बारे में एक थोड़ा भी न सोचा, पूरे मेले में घूमा, एक रुपये का ना खाना खाया ना पानी पिया, ना अपने लिए एक रुपये भी खर्च किया, बस पूरे मेले में घूमकर अपनी दादी के लिए एक चिमटा लाया और दादी को कहकर भी गया था कि आप डरना मत, मैं जल्दी से जाऊंगा, पहले पहुंचूंगा और जल्दी से आ भी जाऊंगा। दादी के लिए चिमटा लाया, जब उसके दोस्त मिठाइयाँ खा रहे थे, खाना खा रहे थे, मज़े कर रहे थे, तब उसने ये सारी चीज़ों को अनदेखा करके एक ही चीज़ ली, चिमटा। जब घर आकर वो अपनी दादी को देता है तो दादी उसके ऊपर गुस्से होती है, कैसा बच्चा है, ना उसने कुछ खाना खाया, ना पानी पिया, ना अपने लिए कुछ लिया, और लाया तो लाया क्या इतने बड़े मेले में से एक चिमटा। तब उसकी दादी को वो बोलता है, दादी खाना मिठाई वो सब कौन खाता है मेले में, मुझे तो आपके लिए ये ज़रूरत पड़ी, आप रोज़ रोटी बनाते हो तो आपके हाथ जलते हैं और आज से ये नहीं जलेंगे, इसीलिए मुझे चिमटे की ज़्यादा ज़रूरत लगी। यह सुनकर दादी का गुस्सा एकदम शांत हो गया और प्रेम में बदल गया, निस्वार्थ की, इतने छोटे बच्चे की इतनी निस्वार्थ प्रेम, यह सोचकर दादी खुद हैरान भी हुई और बहुत खुश भी। दादी हमीद को
बहुत दुआएं देने लगी, आंख में से आंसू गिर पड़े कि उसने इतनी छोटी उम्र में अपना ना सोचकर मेरे बारे में सोचा। इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे उम्र कोई भी हो, पर हमें हमारे घर की कंडीशन के हिसाब से काम करना चाहिए। जो ज़्यादा ज़रूरी है उसको पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। हमें हमिद की तरह ही समझदार बनना चाहिए। ओके?